नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 100 क्वेश्चंस, और इन 100 क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो कोशिश करना वीडियो को लास्ट तक देखने की, इससे आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं, तो आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हों, कोई भी क्वेश्चन आपको समझना है, या फिर कोई भी क्वेश्चन मैं गलत डिस्कस करूं, तो ज़रूर कमेंट करना ताकि सही नॉलेज जो है लोगों तक पहुंच सके, यही मेरा उद्देश्य है। और इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए होगी, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। और ऐसे ही 10 मॉक पेपर आपको मिल जाएंगे, अगर आपको परचेज़ करने हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो ये बात हो रही है दोस्तों 2018 की। रिसेंटली नोबल प्राइज़ मिले हैं 5 कैटेगरीज़ में, एक कैटेगरी में नहीं मिला है और वो है लिटरेचर। तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री में बात करूँ तो इन तीनों को मिला है, तो ऑल ऑफ दी अबव जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपको ये सभी पढ़ने हैं जितने भी नोबल प्राइज़ मिले हैं। उसके बाद मैं बात करूँ विंबलडन 2017 महिलाओं में किसने जीता, तो यहाँ पर दोस्तों 4 आपको ओपन याद रखने हैं। पहला हो गया विंबलडन, दूसरा हो गया फ्रेंच, तीसरा हो गया यूएस और चौथा हो गया ऑस्ट्रेलिया। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बार बार। तो महिलाओं में 2017 में किसने जीता विंबलडन ओपन, तो ये जीता गार्बिन मुगुरुजा। तो आपको ये सभी याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि जहाँ भी महिलाओं की नियुक्ति हुई है 2018 में, आप वहाँ पर पढ़ लेना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? हालिमा याकूब, आपको नाम याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगमीत सिंह कौन है? तो इस क्वेश्चन को क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों जो भी न्यूज़ में रहते हैं पर्सनैलिटीज़, और ख़ास तौर पे भारत मूल के जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, हस्तियाँ होती हैं, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं, चाहे किसी भी कंट्री में हो, कैनेडा हो, USA हो या फिर पाकिस्तान हो। तो अच्छे से पढ़ना। तो फ़िलहाल आपको बता दूँ, ये जो कैनेडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें ये लीडर चुने गए थे रिसेंटली, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो दोस्तों हम्बनटोटा बंदरगाह है, काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, और इसके जो ज़्यादातर स्टेक्स हैं वो खरीद लिए हैं किसने? चाइना ने। और मैं आपको बता दूँ, काफ़ी बिजी ये बंदरगाह है, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ये बिजी बंदरगाह है ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट का। और मैं आपको बता दूँ, चाइना जो है इसने इस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और भारत के लिए काफ़ी चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। यहाँ पे हम्बनटोटा जो एयरपोर्ट है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उसके ज़्यादातर स्टेक्स जो हैं इंडिया ने खरीद लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो बेस्ट एक्ट्रेस या फिर बेस्ट एक्टर है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं फिल्मों के, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो फिलहाल मैं एक्ट्रेस की बात करूँ, यहाँ पे 64th नेशनल फिल्म अवार्ड की बात हो रही है, तो एम सुरभि आपको नाम याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में एक्टर पूछ लिया जाए, तो अच्छे से पढ़ना। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसके ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं, आपको फटाफट से कमेंट्स में इसका आंसर बताना है, भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में यही आएगा। इस क्वेश्चन को लाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि जो भारत में जितने भी संगठन हैं, यहाँ पे मैं बात करूँ DRDO हो गया, या फिर SEBI हो गया, SIDBI हो गया, जितने भी संगठन हैं भारत के, सभी के जो 2018 में चेयरमैन या फिर CEO जो हैं नियुक्त किए गए हैं, उनको पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। के सिवान आपको याद रखना है, इसरो के 2018 में चेयरमैन बने हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट्स हैं, ये काफ़ी एग्जाम में आती हैं और काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको देना है, क्योंकि इससे आपका जो लेवल है पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। तो इसका आंसर आपको बताना है, किसकी स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शंस हैं, देखता हूँ किसे इसका सही आंसर आता है। ये HAS के एग्जाम में आ चुका है 2018 में क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस केस में संविधान को बदलने की सोची गई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस जाते हैं
और काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, चाहे वो कोई धारा हो या फिर कोई सीआरपीसी हो, तो आपको वो सभी चीज़ें पढ़नी हैं, एग्ज़ाम में आती हैं। तो फिलहाल बात करूँ, केशवानंद भारती केशु है, इसमें काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे फैसले देखने को मिले थे। तो आपको ऐसा करना है, जब वीडियो ख़त्म होगा तो आप यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च करना केशवानंद भारती केस, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ना, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उन्हें फॉलो करिए, आपका एग्ज़ाम पक्का क्रैक होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, काफ़ी बार मैं इसे डिस्कस कर चुका हूँ, कावेरी नदी विवादों में कौन से राज्य शामिल हैं? तो यहाँ पे ये तीन राज्य हैं और एक आप देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। तो आपको जो भी नदियाँ हैं, जो भी विवादों में हैं या फिर जिनके ऊपर न्यूज़ बनी हुई है, करंट अफेयर्स में है, तो उनको पढ़ के जाइएगा, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू केस, इंदिरा साहनी केस बसिस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये किसके ऊपर है? आपको बता दूं, ये बेसिकली रिजर्वेशन के ऊपर है। और यहाँ पे मैं रिजर्वेशन की बात करूँ, ओबीसी या फिर एसटी या फिर एससी या फिर अदर कोई, तो आपको याद रखना है रिजर्वेशंस फॉर ओबीसीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इलेक्टोरल रिफॉर्म से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो कमेटीज़ हैं काफ़ी बार एग्ज़ाम में आती हैं, सभी से ज़्यादा यही पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन, कमेटीज़ जो हैं। तो आपको याद रखना है एनएन बोरा कमेटी जो है, दिस कमेटी इज़ रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशाला कैपिटलिज्म भारत की कैपिटलिज्म है, किसने कहा था? तो यहाँ पे अगेन दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स, आपको याद रखना है राजकृष्णा जो है बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडिया स्पेकुलर नीड्स, किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों ए ऑप्शन जो है, ग्रैनविले ऑस्टिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन को क्यों लेके आया हूँ, सामाजिक आंदोलन जो है ये आपको पढ़ने हैं, जो भी आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री में हुए हैं भारत की, उन सभी को पढ़ लो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को क्यों लेके आया, क्योंकि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आपको पढ़नी है, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूँ, बीजेपी की, या फिर अदर जो भी पार्टीज़ हैं जो न्यूज़ में रही हैं इलेक्शंस में। तो CPIM जो है दोस्तों त्रिपुरा में काफ़ी फेमस है, तो आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और 1964 में क्या किया था इसने, इस पार्टी ने, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो आपको नाम याद रखना है, ए ऑप्शन जो है रजनी कोठारी, बिल्कुल सही है दोस्तों। साथ में अपने आप को टेस्ट करते रहना, ये क्वेश्चन आपको आता था या नहीं, इससे आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। यहाँ पे वायसरॉय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है, ये बेसिकली 1919 में हुआ था, और 1919 में काफ़ी घटनाएं घटी थी, जिसमें सबसे अहम जो घटना है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और बाकी और भी कई हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं ये सभी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ BR अम्बेडकर का जन्म स्थान जो है ये याद नहीं रखना है, बल्कि महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, या फिर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जो भी महत्वपूर्ण हस्तियां हैं उन सभी के आपको जन्म स्थान याद रखने हैं। तो इनका हुआ था जन्म महो में, आपको फटाफट से कमेंट्स में बताना है महो जो है इस समय किस राज्य में स्थित है, देखता हूँ कितना नॉलेज है आप सभी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति सशक्तिकरण के लिए किस नेता ने अहम भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, AV ठक्कर, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन संबंधित नहीं है? ये जो दोस्तों INC है, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, और इससे रिलेटेड एक पार्टिकुलर टॉपिक जल्द लेके आऊँगा, तो अगर आपको चाहिए हो, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आपको याद रखना है इसका सही आंसर होगा BD सावरकर, ये इसके आप कह सकते हैं लीडर नहीं रहे हैं, और मैं बात करूं इन तीनों की तो काफ़ी मशहूर इसके लीडर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नेता कौन नहीं था? तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं डी ऑप्शन MR जयकर, ये सोशलिस्ट लीडर नहीं थे, सामाजिक नेता नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं ये लॉ मिनिस्टर थे,
भारत के पहले और काफ़ी महान हस्ती थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इन्होंने कौन सा बिल तैयार किया था इंडिया में, हिंदू कोड बिल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये जो चट्टाने हैं इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इग्नेस रॉक्स जो हैं इनका सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो वो है बेसाल्ट, बेसाल्ट का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह मेल कौन नहीं खा रहा है। तो ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, टफ क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी को इसका आंसर देना है और देखता हूँ कितने लोगों को इसका सही आंसर आता है, क्योंकि 90% जो भी लोग हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको इसका आंसर नहीं आएगा। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा मेल नहीं खा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सोलर, जो भी सौर परिवार है उससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है पृथ्वी जो है इस पर सबसे छोटा दिन होता है एज कम्पेयर टू अदर थ्री प्लैनेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटवास प्लान किस से संबंधित है। तो ये बेसिकली दोस्तों संबंधित है विंड एक्शन से, विंड एक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद मैं बात करूँ वोल्केनोस जो हैं, साइक्लोन्स जो हैं, अर्थक्वेक्स जो हैं, इनके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जियोग्राफी, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक्टिव वोल्केनोस की बात करूँ तो ये जो एलेटियन आइलैंड है इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल साइकिल ऑफ हिरोजन ये सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत भी जरूर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई फिलोसोफर हो, आपको ये सभी पढ़ने हैं। डेविस डब्ल्यू एम बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, इन्होंने नॉर्मल साइकिल ऑफ हिरोजन का सिद्धांत दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया क्या है। तो रिया दोस्तों एक सबमर्ज्ड रिवर वैली है, तो ए ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्लेशन किससे संबंधित है। दोस्तों 99% जो स्टूडेंट्स हैं इसका आंसर गलत देते हैं, डिफ्लेशन सोचते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका सही आंसर होगा विंड एक्शन, आपको याद रखना है। उसके बाद ट्रोपोस्फियर जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है, आपको याद रखना है इसमें तापमान की कमी जो है कितनी दर है, आपको इसका आंसर याद रखना है 6.4 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन को क्यों लेके आया, क्योंकि दोस्तों ये जो वायुमंडल है इसकी जो परतें हैं, चाहे मैं ट्रोपोस्फीयर की बात करूं, स्ट्रेटोस्फीयर, जो भी इसकी लेयर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बार बार इन्हीं से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रेवोल्यूशंस हैं इनको भी पढ़ लेना, चाहे मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूँ, वाइट की बात करूँ, या फिर गोल्डन की, या फिर येलो, या फिर ब्लैक, ये सभी आपको पढ़ के जानी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिलहाल इसका सही आंसर आपको याद रखना है, वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ये कब बनी थी। तो दोस्तों ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको पढ़ के जाना, एग्जाम में ये आती हैं। फिलहाल नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनी थी 1988 में बनी थी, आपको इसका आंसर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई क्षेत्र सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो ये क्वेश्चन जब भी आप आंसर करेंगे तो देख लेना ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी जो ऑप्शंस हों उनमें सभी में सिंचाई होती हो। तो फिलहाल इसका आंसर होगा हरियाणा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है एज़ कम्पेयर टू दिस थ्री अदर स्टेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल रिफाइनरी एट भटिंडा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों HPCL के द्वारा, तो आपको ऐसा नॉलेज भी होना चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं HPCC के एग्जाम्स में। भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर जो होगा वो होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन दूसरी भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है आयरन एंड स्टील जो है वो दूसरी है, उसके बाद सोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील जो कि जमशेदपुर, और जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड, तो ये कब बनी थी। तो इसके काफ़ी अलग अलग आंसर आते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था और उसकी ऑफिशियल आंसर की थी वो था 1908, तो आपको यही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी। तो ये आई थी 1948 में, तो पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिरा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों जूट टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। उसके बाद कोरतपुर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कोरतपुर में। और अगर आपको जरा भी नॉलेज है तो आपको बताना है कोरतपुर कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, फटाफट से आंसर बताइए। उसके बाद मैं बात करूँ, ये जो दोस्तों यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं, इसके जो एजेंडा हैं 2030 के लिए,
जो 2030 के लिए एजेंडाज हैं वो कितने हैं। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। सही आंसर जो होगा इसका वो होगा 17। तो ये सभी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जीके की बात करूं, तारागढ़ फोर्ट जो है किसने बनवाया था, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और सही आंसर होगा जगत सिंह। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो भी राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने जो भी किले बनाए हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पे मैं बात करूं, अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये डेट्स भी याद रखनी है, 1625 से 30 ईस्वी के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राजधानी बनाने के लिए साहिल वर्मन को किसने प्रेरित किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो नई राजधानी है ये साहिल वर्मन ने चंबा शहर में स्थापित की थी, और इसके लिए इसे प्रेरित किया था चरपटनाथ, जो कि चंबा का काफ़ी आप देख सकते हैं महान राजगुरु था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किले में मस्जिद किसने बनवाई। तो ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, फटाफट से आपको इसका कमेंट्स में आंसर बताना है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद यात्री जो भी हिमाचल प्रदेश में आए उनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, कौन सा यूरोपियन यात्री नाहन से जम्मू नूरपुर से होकर गया था 1783 में। तो आपको याद रखना है, ये जो बी ऑप्शन है फोस्टर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, सुकेत के राजा ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया था। यहाँ पे दोस्तों 850 से लेकर के 900 ईस्वी की बात हो रही है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, भूपाल बिल्कुल सही आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को पढ़ लेना, जो मैंने सीरीज चलाई हुई है हिस्ट्री की उसे अच्छे से पढ़ लेना, आपके क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूं, राजा केरी सिंह और तिब्बत के बीच संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 17वीं शताब्दी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच लड़ाई कहाँ हुई है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ये हुई थी जैतक हिल्स, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू राज्य किसने स्थापित किया था। तो ये दोस्तों कई बार देखने को मिल जाता है अजय चंद, लेकिन सही आंसर है अजीत चंद, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो बड़ी ठकुराइयों को इकट्ठा करके जुब्बल राज्य जो है, जुब्बल प्रिंसली स्टेट जो है बनाई गई थी। तो ये रविंगढ़ और डाडी, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी याद रखने हैं, ये जो ठकुराइयाँ हैं इनके बारे में भी पढ़ के जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर का कौन सा राजा अंग्रेजों का शत्रु 1857 में सामने आया था। तो यहाँ पे ये जो 1857 की क्रांति है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हिमाचल में सबसे पहले कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई। तो यहाँ पे कसौली आपको याद रखना है, सोलन, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है, जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा शमशेर सिंह, जो कि 1857 में अंग्रेजों का यहाँ पे शत्रु निकल के सामने आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र के लिए किसे मृत्युदंड मिला था और बाद में फिर आजीवन कारावास। तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर होगा ये जो हृदय राम है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल कब वजूद में आया था। तो ये जो भी हिमाचल प्रदेश के मंडल हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, फिलहाल ये 1921 AD में या फिर ईस्वी में सामने आया था नरेंद्र मंडल। उसके बाद 2011 की जो जनगणना हुई है इससे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो। तो आपको याद रखना है, सबसे कम SC जो हैं वो मिलेंगे आपको लाहौल स्पीति में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार SC ही आएंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में ST पूछ लिए जाएँ या फिर अदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो 2011 की जनगणना को अच्छे से पढ़ना, हिमाचल प्रदेश की भी और इंडिया की भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ दर्रों का, उसमें बताया था मैंने कि ये जो प्रांगला दर्रा है ये सबसे ऊंचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, और इसकी जो हाइट है 5500+ मीटर्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन सबसे ऊंचा ये दर्रा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों डोडरा कबार जो है ये बेसिकली रोहडू के पास है, जो शिमला के आसपास मिल जाएगा आपको, और सांगला, सांगला जो है किन्नौर की वैली है के बीच कौन सी झील है। तो ये झील जो है इसका नाम है दोस्तों ब्रडोंसर, आपको इसका नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर नदी को पानी से कौन सा हिमनद भरता है या फिर प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चंद्रनाहन आपको हिमनद इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी देवी मंदिर कहाँ है या फिर
ये जो दोस्तों शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी क्वेश्चन सेम ही हैं दोनों, आपको ध्यान में रखने हैं ये क्वेश्चन। ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे एक मंडी ज़िले में, और जगह का नाम पूछ लिया जाए तो सुकेत जो है, या फिर मैं बात करूँ सुंदरनगर, तो इससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ मंदिर की, शिकारी देवी की, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। फुलैच त्यौहार किस जिले से संबंधित है? लाखों बार इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ और एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है, तो फटाफट से आपको आंसर में बताना है इसका क्या आंसर होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर मेला चंबा का कब आयोजित होता है? दोस्तों मिंजर मेला जो है बेसिकली ये सावन महीने में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सावन महीने के किस दिन में ये शुरू होता है, तो आपको याद रखना है दूसरा रविवार जो होता है सावन महीने का, इसी को मिंजर मेला स्टार्ट होता है चंबा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास की नायक नायिका थीम ऑफ राशि कृपया चित्रकला किस स्थान से संबंधित है? तो ये अर्की से संबंधित है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो चित्रकलाएं हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर पगोडा शैली पर बना है? इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो देख रहे हैं, सभी को इसका आंसर आता होगा। हडिम्बा देवी जो मनाली कुल्लू में है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है एक्चुअली, क्योंकि ये एचएएस के एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है इसके तहत हिमाचल प्रदेश में कितनी सेवाएं जो हैं दी गई थी, तो काफ़ी इसका आंसर गलत आता है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग है वो है 187, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, अगर मैं गलत हूँ तो ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद मैं बात करूँ भेड़ प्रजनन केंद्र जो कि चंबा में है, तो आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, तो वो आपको मिलेगा सरोल में, तो आपको याक जो प्रजनन केंद्र है, भेड़ प्रजनन केंद्र है, या फिर जो भी है उनको अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ सुकेती जीवाश्म उद्यान जो है ये कहाँ है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये शिमला में सॉरी सिरमौर में मिल जाएगा, और सिरमौर में भी मैं बात करूँ तो पांवटा साहिब के आसपास आपको मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के राज्य में शिमला शहर की बैंटनी इमारत का स्वामित्व था और इसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? तो दोस्तों कोई समय ऐसा था तो इसे काफ़ी यहाँ पे वैल्यू दी जाती थी, तो आपको याद रखना है ये जो बैंटनी इमारत है ये सिरमौर में मिल जाएगी आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री धामी प्रेम पंचरणी सभा जो है ये किसने स्थापित की थी? तो ये 1939 में स्थापित की गई थी पंडित सीताराम के द्वारा। 1939 में धामी गोलीकांड भी हुआ था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और साथ में आपको याद रखना है 1942 पझौता आंदोलन इस समय हुआ था हिमाचल में सिरमौर में, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की सीमा जोत कितनी है, तो ये है दोस्तों 69.78, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स में काफ़ी रही थी ये वाली जो परियोजना है सोलर परियोजना, तो ये किस जिले से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये बिलासपुर से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। दोस्तों साथ में चेक करते रहना अपने आप को कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं और कितने नहीं, जिससे आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों जो ऑफिशियल आंसर की है एग्ज़ाम की उसमें दिया जाता है ये जो जुलाई 2010 है, ये बिल्कुल सही आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सही होगा, जो एग्ज़ाम में आता है वही मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आपको कमेंट्स में बताना है ये जो बेटी है अनमोल योजना ये कब शुरू हुई थी, फटाफट से कमेंट कीजिए। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की बात करूँ 2017 में, तो ये किसे मिला था? ये क्वेश्चन क्यों करंट अफेयर में रहा, क्योंकि विनोद खन्ना जो हैं इनका निधन हुआ था और उसके बाद इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, तो इसलिए ये करंट अफेयर में रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी सुरंग कहाँ बनाई गई? यहाँ पे दोस्तों लॉन्गेस्ट रोड टनल की बात हो रही है बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू, तो इन दोनों का नाम याद रखना, चिनानी नाशरी आपको याद रखना है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद इसरो के द्वारा साउथ एशियन सेटेलाइट छोड़ी गई, तो वह कौन सी थी? यहाँ पे दोस्तों 2017 मई महीने में ये छोड़ी गई थी, तो GSAT-09 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपको इसरो के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जो भी इनके द्वारा
सैटेलाइट्स छोड़ी जा रही हैं, जो भी इसका आप देख सकते हैं चेयरमैन है या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ से कौन सी मिसाइल छोड़ी जा रही है, ये क्वेश्चन पक्का आते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ पर्यटन पर्व 2017 हुआ है 5 से 25 अक्टूबर के बीच, तो आपको याद रखना है इसका जो थीम था वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पे थीम काफ़ी पूछे जाते हैं, जो भी करंट अफेयर्स में डेज मनाए जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद पद्म विभूषण अवार्ड्स 2017 किसने प्राप्त किया, तो हो सकता है दोस्तों 2018 का एग्जाम में आ जाए, खेल रत्न अवार्ड आ जाए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि विराट कोहली को मिला है, लगभग 4 सालों तक उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, 2017 में इन सभी को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2017 में। उसके बाद मैं बात करूँ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इस साल मनाया गया 2018 में, तो आपको याद रखना है, और हर साल 21 जून को ये मनाया जाता है, तो इसका थीम भी याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। और भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो 2017 में किसे दिया गया, तो ये जो बी ऑप्शन है येशे दोर्जी थोंगशी, आपको इनका नाम याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर इसका आंसर आपको नहीं आएगा तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए कोई भी। ओम प्रकाश रावत बिल्कुल सही आंसर है, तो अच्छे से पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अक्टूबर 2017 फेरी सर्विस पहली बार गुजरात के किन स्थानों में शुरू हुई, तो ये हुई थी दोस्तों घोघा दहेज, आपको इनका नाम याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन्हें इससे सम्मानित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दवा के क्षेत्र में योगदान और समुदाय के लिए काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, तो ये क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जब भी हिमाचल प्रदेश या फिर भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई सर्वोच्च आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नागरिक सम्मान मिलता है किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया हो गई, कनाडा हो गई, यूएसए हो गई, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपको याद रखना है, ये तीनों हैं बिल्कुल सही आंसर है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये जो है दोस्तों 2017 का डी ऑनियर किसे मिला है, तो ये मिला है दोस्तों सुमित्रा चटर्जी को, आपको ये भी याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए भारत का कौन सा व्यक्ति जो है जज चुना गया है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, दलवीर भंडारी। लेकिन आपको कमेंट्स में बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इतना आपको बता दूं कि ये नीदरलैंड्स में है, लेकिन आपको जगह का नाम कमेंट करना है फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडाइज पेपर्स जो हैं ये किससे संबंधित होती हैं, तो ये क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट इन सीक्रेट टैक्स हैवन्स है, ये बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यूनेस्को जो है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म्स आपको कमेंट्स में बतानी है, काफ़ी बार इसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसे छोड़ने की बात रिसेंटली 2 कंट्रीज़ में हुई थी, तो आपको उन कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो कंट्रीज़ कौन सी थी, तो यूएसए एंड इज़राइल, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। नोबल पुरस्कार किस संगठन ने प्राप्त किया 2018 में, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं नोबल पीस प्राइज़, तो यहाँ पे दो व्यक्तियों को मिला है इस साल 2018 में, तो आपको याद रखना है पहला है डेनिस मुकबेजे और दूसरा है ये महिला है नादिया मुराद, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं नोबल प्राइज़ से रिलेटेड। ब्रिक्स सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ, तो ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका में हुआ। यहाँ पे ब्रिक्स के साथ साथ आपको G20 समिट जो है वो भी याद रखनी है आपको, साथ में बिमस्टेक 2018 जो हुई है वो भी याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के लिए, तो अच्छे से पढ़ना। उसके बाद सार्क में कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, फटाफट से आपको कमेंट्स में बताना है सार्क के कितने सदस्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है एंटोनी गटरस, लेकिन आपको कमेंट्स में बताना है कि किस कंट्री से ये संबंधित हैं, कौन सी कंट्री के ये व्यक्ति हैं। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं रिसेंटली, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है इमरान खान, लेकिन आपको कमेंट्स में बताना है जो राष्ट्रपति बने हैं पाकिस्तान के वो भी इसी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके हैं, तो आपको उनका नाम बताना है। उसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए 73rd
संशोधन में महिलाओं को 1/3 सीटें देने की बात किस अनुच्छेद में है? तो ये चार ऑप्शंस हैं आपको। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपको सही आंसर इसका बता दूंगा। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बात कही गई, तो फटाफट से कमेंट में बताइए। और वीडियो कैसा लगा, आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट पेपर चाहिए हो तो आप कमेंट करना, मैं लगातार हर दिन आपको ऐसे मॉक टेस्ट पेपर लेके आऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करता हूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।